अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, ये सब क्या है? डॉक्टर शिव, कल रात को हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब वो बात पूरी होगी, वो भी सारे सबूतों के साथ। मोहिनी, मोहिनी, मैंने चाय बनाई आप सबके लिए। इन सारी चीजों को पहचानती हो? केना क्रिस्टल है ये ना, कमरे में रखा जाता है कमरे का तापमान कम रखने के लिए। और ये चमेली का पौधा, सांप इंसानी रूप में आए तो इसके आसपास रहते हैं शांत रहने के लिए। और ये केचुली, इसे तो तुम अच्छे से पहचानती होगी, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो ये केचुली इस घर में हर जगह से मिल रही है, और इस बार ये तुम्हारे कमरे से वापस मिली है। वो मैंने नाक को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे नहीं मिला। और नंदू भैया मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस घर में कोई नाग नहीं घुस आया है। बल्कि एक नागिन घुस आई है। शक्ति, डॉक्टर शिव, बताओ मोहिनी, ये सब क्या है और क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? मुझे नहीं पता शक्ति दीदी, शायद ये उसी सांप का हो जिसकी केचुली पूरे घर में निकली हो। मतलब तुम्हारी, मतलब ये कि तुम कोई इंसान नहीं हो, इच्छाधारी नागिन हो। शक्ति, डॉक्टर शिव, प्लीज प्लीज हमें बोलने दीजिए। बताओ मोहिनी, ये सब क्या है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हमें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, पर गांव में भी ये कोई नहीं मानता है, और ये तो बड़े बुजुर्ग तब ये बातें किया करते थे, ये तो सच भी नहीं है। सच है, और सबूत हमारे आंखों के सामने खड़ा है। तुम शक्ति, ये तुम क्या कह रही हो? इच्छाधारी नागिन? अरे बाप रे, अरे बाप रे। ठीक ठीक है मम्मा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो शक्ति बेटा? अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है, असल में थोड़ी ही होती है। पापा जी, हमें भी ऐसे ही लगता था, लेकिन सच कुछ और है।
बताओ बताओ तुम्हारा क्या सच है? आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम एक नागिन हो, कि ये जो केचुली है ये तुम्हारी है, जो जगह जगह पर मिलती रहती है। और ये चमेली का पौधा तुम्हें दिख रहा है ना, सांप चमेली के पौधे के आसपास ही रहते हैं। और एक और बात, इच्छाधारी नागिन इंसानों वाला खाना नहीं खा सकती। और ये क्रिस्टल तुमने अपने कमरे में रखा हुआ है ताकि तुम्हारे कमरे का तापमान कम रहे, क्योंकि सांपों को जमीन के अंदर बिलों में रहने की आदत है, जहां का तापमान कम होता है। नहीं। और कल रात कहां थी तुम? अपने कमरे में नहीं थी ना? हम तुम्हारा पीछा करते करते आए थे, लेकिन फिर तुम अचानक से गायब हो गए। कोई इंसान अचानक से गायब कैसे हो सकता है? हम कमरे में ही सो रहे थे। झूठ बोलना बंद करो। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये केचुली, ये सांप, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं शक्ति दीदी। और अगर आप चाहती हैं ना कि हम यहाँ पे नहीं रहे, आप हमें एक बार बोलिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जब से हमारा भाई, उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाएगा, वही इसे सहन नहीं कर पाएगी। और आप जब से हमें इस घर में लेकर आई है ना, ये अपना सा लगता है, ये घर, ये आपका परिवार। अब एक बार हमें बोल दीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। शक्ति, क्या हो गया है तुम्हें? क्या अजीब बातें कर रही हो कल रात से? डॉक्टर शिव, अभी जो हम कह रहे हैं ना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात झूठ नहीं है। और इस बात को हम अभी के अभी साबित कर देंगे। तुम नागिन नहीं हो ना? तो फिर ये चाय पीकर दिखाओ। चाय पीकर? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।